हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर वन फोर्टी थ्री फिफ्थ क्लास की वर्कशीट है मैथ्स की इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये डेट सॉरी डेट है आपकी ट्वेंटी नाइन्थ दिसंबर इसमें हम पढ़ने वाले हैं टू अप्लाई डिवीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन रियल लाइफ सिचुएशन में हम डिवीज़न का कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हैं हम पढ़ने वाले हैं इस वर्कशीट में यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर आपको अपने टीचर का नेम फिल करना है ठीक है स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पे जो वर्कशीट का टाइटल है वो है दिशा दीदी टू तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है आज बुक शॉप पर दिशा दीदी को बहुत सारा काम है आप उनके काम में उनकी मदद कीजिए ताकि वे जल्दी से फ्री होकर बच्चों को किताबों में कहानियाँ पढ़कर सुना सकें चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पहले दिशा दीदी को फाइव सिक्स सेवन किताबें डिब्बे में पैक करनी है डिलीवरी करवानी है यदि एक डिब्बे में चौबीस किताब हैं तो दिशा दीदी को सभी किताबों को पैक करने के लिए कितने डिब्बे चाहिए तो एक डिब्बे में क्या है चौबीस किताबें हैं और टोटल किताबें हैं पाँच सौ छिहत्तर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्टी एट तो इसको माइनस करोगे तो आप यहाँ पे आएगा नाइनटीन यहाँ पे हो जाएगा सेवनटीन सेवेंटीन में से एट कर नाइन और यहाँ पे सिक्स तो यहाँ पे आ जाएगा फोर तो आ, ट्वेंटी फोर फोल्सा हो जाएगा नाइन्टी सिक्स तो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितने किताबें चाहिए कितने डिब्बे चाहिए कितने बॉक्स चाहिए तो वो होंगे आपके ट्वेंटी फोर तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ट्वेंटी फ़ोर डिब्बे ठीक है अब इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद उन्हें चार सौ बत्तीस नई किताबें शेल्फ़ में लगवानी हैं एक शेल्फ में सोलह किताबें आती हैं तो क्या आप बता सकते हैं चार सौ बत्तीस किताबें कितने सेल्फ में आएंगी तो सोलह सेल्फ सोलह किताबें एक सेल्फ़ में आती हैं तो चार सौ बत्तीस किताबें कितने सेल्फ में आएंगी तो देखिए यहाँ थर्टी टू आएगा ठीक है सोलह के टेबल में टू बार में थर्टी टू आता है मैं इसको थोड़ा छोटा छुट छोटा लिख देती हूँ ताकि जो है ये कम स्पेस लें ठीक है यहाँ पे वन वन और ये आ जाएगा टू यहाँ पे देखिए सेवन आएगा सेवन वन में वन वन टू आ जाता है तो ये इसका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पे कितना आएगा ट्वेंटी सेवन शेल्फ ठीक है तो आइए चलिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जब दीदी तीन सौ बत्तीस किताबें लगा लेती हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ये बत्तीस किताबें और लगानी बाकी हैं क्या आप बता सकते हैं कि ये बत्तीस किताबें कितनी सेल्फ में आएंगी तो ये आई थी आपकी ये आई थी आपकी ट्वेंटी सेवन सेल्फ में ठीक है फिर इसमें सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं बत्तीस किताबें और ऐड कर रहे हैं तो बत्तीस किताबों का मतलब है एक सेल्फ में सोलह किताबें थी तो बत्तीस किताबों का मतलब है दो सेल्फ ज़्यादा तो हम ट्वेंटी सेवन में क्या कर देंगे दो प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर बच्चों ट्वेंटी नाइन सेल्फ ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन है आपका काम में कोई गलती ना रह जाए इसलिए दीदी दी, दिशा दीदी अपने काम के किए गए हिसाब को फिर से चेक करती हैं जब वह भी भाग करती हैं भाग डिवाइड करती हैं तो उसे चेक करने के लिए बुरा करके ज़रूर देखती हैं तो चलिए देखते हैं वो दिशा दीदी जो है क्या करती है तो जैसे कि ये है ट्वेंट वन ट्वेंटी फाइव को उन्होंने फ़ाइव से डिवाइड किया मतलब पाँच को उन्होंने सॉरी एक सौ पच्चीस को उन्होंने पाँच से डिवाइड किया तो ये आएगा बच्चों आपका ठीक है दस आ गया फिर दो बचा पच्चीस तो ये जो आ गया आपका ये आ गया ठीक है तो अब पच्चीस को वो पाँच से मल्टीप्लाई करके देखती हैं ठीक है पच्चीस को पाँच से मल्टीप्लाई करके देखती हैं तो वो जो है इस बीच वाले संख्या के बराबर आता है अगर बराबर आता है तो आपने बिल्कुल ठीक किया है अगर बराबर नहीं आता तो या तो आपने यहाँ पे गलती करिए या फिर आपने डिवाइड करने में गलती करिए ठीक है ठीके? तो चलिए आज आप अपने टीचर खुद बन जाएँ और सवाल को हल करने के बाद खुला करके चेक भी कीजिए तो चलिए देखिए पहला एक क्वेश्चन मैं जो है आपको करके दिखाती हूँ नाइन थ्री फोर टू देखिए यहाँ पे थर्टी सिक्स सेवेंटी टू तो ये हो गया तो ये क्या आ गया बच्चों फोर्टी एट तो फोर्टी एट को क्या करेंगे नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टू सेवन फोर्टी थ्री तो देखिए फोर्थ थ्री टू क्या बीच वाली डिजिट आ रही है बिल्कुल आ रही है तो मतलब मैंने सही करी है मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी ठीक है स्टूडेंट तो इस तरीके से ही आपको भी करना चलिए अब देख लेते हैं अभिभागों के लिए क्या सुझाव दिया गया है क्रॉस चेकिंग यानी कि अपने किए हुए काम को खुद से दोबारा से चेक करना ये क्यों महत्वपूर्ण है इस पर बच्चों से चर्चा करें इन्हें प्रोत्साहित करें कि क्या अपने किए अपने द्वारा किए गए किसी कार्य की स्वयं समीक्षा करें तो चलिए ये थी आपकी आज की वर्कशीट बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बच्चों टेक केयर